Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, beautiful viewers. Welcome back to my channel, Maryam's Point. So today's video is about the Rivaj UK's whitening 24K gold facial mask. सो इससे पहले जो है मैं अपना रिव्यू देख चुकी थी, जो कि था रिवाज यूके का ही, जो चारकोल कार्बन मास्क था, जो बहुत ही अच्छा था. लाइक मैं उसको काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही थी, और लाइक ब्लैक हेड्स के लिए और जो आपकी डल स्किन के लिए, जो आपके वाइट हेड्स हैं उसको बहुत अच्छे से रिमूव कर रहा था. वो मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही थी. तो उसके बाद जो है, जब मैंने वीडियो बनाई तो मुझे जो है वो किसी ने नीचे कमेंट करके ही बताया कि रिवाज यूके का जो है वो गोल्ड वाला, जो 24K गोल्ड फेशियल मास्क है, वो भी बहुत अच्छा है. तो मैंने इसको परचेस किया और मैंने देखा कि जो है वो इसके रिजल्ट्स कैसे थे. वीडियो को एंड तक देखिएगा तो ही आपको पता चलेगा कि इसके बारे में कंप्लीट डिटेल, क्या आपको ये बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये मास्क जो है वो इतना अच्छा है जैसा इसके बारे में लाइक इसकी तारीफें मैंने सुनी हैं. तो ये सारी बातें जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की. लाइक गोल्ड जिस तरह से इसका नेम है, तो ये बहुत ही चमक रहा था और ये दूर से ही मुझे लाइक लश्कारे मारता हुआ नज़र आ रहा था. तो फिर मैंने जो है वो ले लिया. और इसकी प्राइस जो है वो है 385 समथिंग है इसकी प्राइस. लाइक ये जो है वो चेंज भी हो सकती है, क्योंकि ये मेंशन की हुई है इन्होंने खुद. और आपको ये 350 से आपको ये 400 की रेंज में मिल जाएगा. सो इसको जो है वो ये क्लेम करते हैं कि ये एंटी रिंकल है, एंटी टॉक्सिन है और एंटी एक्ने है. तो जो फर्स्ट में इन्होंने जो मेंशन किया है वो है कि ये वाइटनिंग जो है वो मास्क है, लाइक वाइटनिंग फेशियल मास्क है. उसके साथ साथ ये एंटी रिंकल है, एंटी टॉक्सिन है और एंटी एक्ने है. फिर उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो पील ऑफ मास्क है विद है अमीनो एसिड्स. लाइक अमीनो एसिड्स ही मिलकर जो है वो प्रोटीन बनाते हैं. तो ये जो मास्क है ये अमीनो एसिड से जो है वो बना हुआ है. अब इसमें क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी इन्होंने इसमें 100 ml जो है वो क्वांटिटी हमें मिल जाती है, 100 ml प्रोडक्ट मिल जाता है. और इन्होंने जो है इसमें लाइक काफ़ी केमिकल्स हैं, और डायरेक्शन जो बताई है इसको किस तरह से लगाना है, आपने इसको अपनी फिंगर टिप से भी या ब्रश से भी जेंटली आप जो है वो थिन लेयर अप्लाई करें, और इसके बाद जो है वो 20 से 25 मिनट्स तक आप जो है वो वेट करें, और फिर जो है वो इसको जिस तरह हम पील ऑफ मास्क उतारते हैं आप इसको उतार सकते हैं. तो इसको जो है वो ओपन करके देखते हैं. तो जी ये रहा है पील ऑफ मास्क. तो ये इस तरह से ट्यूब फॉर्म में आता है, ठीक है. और इसके ऊपर भी सब वही चीज़ें मेंशन की हुई हैं जो इन्होंने जो है वो बाहर बॉक्स पे मेंशन की हुई थी. तो अब जो है मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ. मैं एक दफ़ा इसको यूज़ कर चुकी हूँ सिर्फ एक ही दफ़ा, तो ये ऐसे सील होता है, ठीक है. अच्छा जी, तो आपको मैं दिखाती हूँ कि ये होता कैसे है. सो ये बिल्कुल थिक है, इसकी कंसिस्टेंसी यू कैन सी बिल्कुल गोल्ड की तरह है ये, और बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी है. लाइक यू कैन सी किस तरह से ये बिल्कुल एक ग्लू की तरह है. तो ये जो मास्क है लगाने के बाद आपको जो है वो वेट करना है 20 से 25 मिनट्स, और तब तक ये जब ड्राई हो जाएगा तो फिर आप इन्हें इसको उतार लेना है. अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा. मैंने जब इसको फेस पे अप्लाई किया, लाइक मैंने स्क्रबिंग के बाद जो है अपने फेस पे अप्लाई किया ब्लैक हेड्स रिमूव करने के पर्पज से, क्योंकि जो है मेरा चारकोल मास्क जो है वो फिनिश हो गया था, ठीक है. तो मैंने जो है वो ये मास्क यूज़ किया, और जब मैंने इसको लाइक उतारा तो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई, क्योंकि ये जो है इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है. तो मैं आपसे कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मोटी लेयर ना लगाएं, बिल्कुल थिन सी लेयर लगाएं, ठीक है. और लाइक जो पार्ट्स जिस पे आपकी लाइक ब्लैक हेड्स हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आप पूरे फेस पे लगाएं, क्योंकि जो लोग जिनके फेस पे हेयर्स होते हैं
उन लोगों को ये बहुत प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि जब मैंने इसको फुल फेस पे लगाया तो मुझे लाइक बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था इसको पील ऑफ करने में, जो लाइक फेशियल हेयर्स थे, स्मॉल फेशियल हेयर्स, तो वो भी साथ साथ रिमूव हो रहे थे, तो इसको जो है वो रिमूव होने में काफ़ी टाइम लग गया मुझे, बहुत उतारने में, और मेरी आंखों में लाइक आंसू भी आ गए। इसकी स्मेल बहुत इरिटेटिंग थी, बहुत लाइक केमिकल्स की, जिन लोगों को जो है वो केमिकल्स की स्मेल से जो है वो एलर्जी है या इरिटेशन है, तो वो लोग जो है वो इससे दूर रहे। तो इसकी बहुत अजीब सी स्मेल थी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो ये है जो मैंने लगाया, तो उसके बाद जब मैंने इसको रिमूव किया तो काफ़ी पेनफुल था, और लेकिन ये है कि इससे ब्लैक हेड्स रिमूव हो गए थे और स्मॉल फेशियल हेयर्स भी काफ़ी रिमूव हो गए थे, और हल्की सी लाइक रेडनेस आ गई थी स्किन के ऊपर। जो लोग जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और जिनकी फेस के ऊपर स्मॉल स्मॉल एक्ने हैं, प्लीज़ वो ये जो है यूज़ ना करें, क्योंकि उनके लिए जो है ये प्रॉब्लम कर सकता है, उनकी जो है वो स्किन इरिटेशन हो जाती है। कि अगर आपको लाइक ऐसी इरिटेशन हो, स्किन इरिटेशन, आपकी स्किन रेड हो रही है कोई भी मास्क लगाने के बाद, तो आप फ़ौरन एलोवेरा जेल अप्लाई करें। एलोवेरा जेल क्या है कि आपकी स्किन को जो है वो सूथिंग इफेक्ट देगी, और आप कूलिंग इफेक्ट होगा, और वो हील करने में आपकी स्किन को प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। या तो आप जो है वो ठंडा दूध, ठीक है, आइस क्यूब्स बना लें, उसके जो है वो आइस क्यूब आप उसके ऊपर रब करें, और उसके बाद जो है वो आप एलोवेरा जेल लगा लो, तो जो है वो बहुत जल्दी हील हो जाएगा। सो ये जो है गोल्डन फेस जो है 24K गोल्डन फेस मास्क जो है रिवाज यूके का, तो ये अगर आप लोग जो जिनकी स्किन के ऊपर हेयर्स नहीं है, लाइक आपकी स्किन स्मूथ है और आपको सिर्फ ब्लैक हेड्स प्रॉब्लम है, और आप चाह रहे हो कि आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी टाइट हो जाए और जो है वो टॉक्सिन रिमूव हो जाए, डर्ट रिमूव हो जाए, तो आप जो है वो ये बाय कर सकते हो। लेकिन जो सेंसिटिव स्किन वाले जो हैं लोग, प्लीज़ आप जो है वो ये ना बाय करें, क्योंकि ये आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम कर सकती है। सो आप जो है इसको प्लीज़ बाय ना करें। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि जो है वो इस प्रोडक्ट के बारे में, जो है वो मैंने बहुत सारे लोगों के रिव्यूज़ पढ़े, तो उनमें भी उन्होंने यही कहा था कि जो है ये लोग जो हैं जो जिनके फेस पे एक्ने हैं वो ये इसको यूज़ ना करें। रिवाज यूके की काफ़ी प्रोडक्ट्स जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छी हैं, ठीक है। सो इसको जो है वो मैं लाइक 65, जो लाइक 100% में से इसको 65% मार्क्स दूंगी, तो अगर आपने ये लेना है तो आप बाय कर लें, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस रिवाज यूके वाइटनिंग 24K गोल्ड फेशियल मास्क। सो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं जो है वो और भी प्रोडक्ट्स पे वीडियो बनाऊं, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। सो अगर आप चाहते हैं कि रिवाज यूके के जो है चारकोल फेस जो है वो फेस वॉश और जो है उनके पील ऑफ मास्क पे डिटेल वीडियो बनाऊं, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।